पुतिन को ट्रंप ने धमकी दी थी, खुद ट्रंप ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खुद ट्रंप ने दावा किया कि मैंने पुतिन को धमकी दी थी, यूक्रेन पर अटैक ना करने की धमकी दी थी, ये कह रहे हैं ट्रंप, और मेरी धमकी की वजह से अटैक टला था, ये ट्रंप ने दावा किया है। तो ट्रंप ने क्या दावा किया है, क्या वाकई ट्रंप ने पुतिन को धमकाया था, ये बड़ा सवाल अब सामने खड़ा हो गया है। आइए जल्दी से अब आपको बताते हैं कि अगला सेगमेंट कौन सा है हमारा। हमने डिफेंस लाइन की बात की, अब देखिए हॉलीवुड की मूवी नहीं काउंटर ऑफेंसिव, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। हॉलीवुड में तो बड़े आसानी से आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है। खबर देखिए, हाइमार्स से यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक, बाखमुत में रूसी ठिकानों पर हमला किया गया। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर अलेक्जेंडर स्विर्स्की का यह दावा, हमले में रूस के कई इक्विपमेंट्स तबाह हो गए। एक और बड़ी खबर काउंटर ऑफेंसिव पर, जेलेंस्की का बड़ा बयान, पटरी पर नहीं है काउंटर ऑफेंसिव, यानी जेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि अभी हमारा पटरी पर नहीं है काउंटर ऑफेंसिव, उम्मीदों के हिसाब से नहीं है नतीजे, रूसी डिफेंस को भेदने में नाकाम है यूक्रेन। तो जब जेलेंस्की ने कह दिया, उसके बाद किसी का और कहने की क्या यहां पर बात रह जाती, क्योंकि खुद वो देश जो काउंटर ऑफेंसिव कर रहा हो उसका चीफ ये कह रहा हो कि हमारा मिशन अभी पटरी पर नहीं है, हमें जो नतीजे चाहिए थे वो हम नहीं पा पाए और हम रूसी डिफेंस को नहीं भेद पाए। सुनिए और आपको बताते हैं कि क्या कह रहे हैं जेलेंस्की, काउंटर ऑफेंसिव के नतीजे ठीक नहीं दिख रहे, ये कहा जेलेंस्की ने, नतीजे वैसे नहीं दिख रहे जैसा पश्चिम ने सोचा था, कुछ लोगों को लगता है कि ये हॉलीवुड मूवी है, वॉर में हॉलीवुड मूवी की तरह नतीजे नहीं आते, ये जेलेंस्की ने कहा है। उम्मीद से काफी कम तेजी से आगे बढ़ रहे हमारे सैनिक, रूसी फ्रंट लाइन पर मल्टी लेयर डिफेंस तैनात है, हमें पहली लाइन भेदने में भी अभी कामयाबी नहीं मिली है, ये बीबीसी को जो जेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया है उसका ये अंश है। मैं ब्रिगेडियर शरदेंदु आपसे पूछूंगा, ब्रिगेडियर शरदेंदु फिर तो जेलेंस्की ने यहां पर मान लिया, अब क्या बचता है यहां कुछ और कहने को? देखिए, जो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया, मेरा मानना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्सेस का जो प्रिंसिपल है अटैक का, उसको वायलेट किया। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को फेटर वे किया और चारों स्टेट में आपने काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश की, यहीं पे यूक्रेन आर्मी की गलती हुई। चार स्टेट्स, अगर उन्होंने दो स्टेट या एक स्टेट में इसको कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स की तरह इस्तेमाल किया होता तो शायद वो फ्रंट लाइन या सेकेंड लाइन डिफेंसेस तक पहुंच सकते थे और कुछ रिजल्ट उस स्टेट में आ सकते थे। ऐसा वो कर नहीं सके, उन्होंने चारों स्टेट में, चाहे ज़ाप्रोजिया हो, चाहे लुनास्क हो, डोनास्क हो, खेरसन हो, हर जगह ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश की, और वो इतना, आप कह रहे हैं कि उनकी रणनीति विजिबल नहीं थी, उनकी रणनीति ऐसी नहीं थी कि उनको नतीजे मिलते, और वही दिख रहा है सामने।